दोस्तों बात की जाए सैमसंग ए सीरीज की, तो सैमसंग अपने ए सीरीज के दो स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A13 और A33 को। बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A33 की, तो ये स्मार्टफोन ग्लोबली 5G की कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 4G की कनेक्टिविटी के साथ आएगा। और इस बार सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में आपको एक बड़ी चेंजिंग भी देखने को मिलेगी। इस बार सैमसंग अपनी मिड रेंज में भी हेडफोन जैक को रिमूव करने वाला है। इट मींस यहां पर सैमसंग गैलेक्सी की जो ए सीरीज है इसमें भी आपको हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A33 के डिजाइन की बात की जाए तो इस मोबाइल में आपको जो डिजाइन देखने को मिल जाएगा काफी हद तक सेम देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s में देखने को मिला था। और फ्रंट साइड पर अगेन आपको इस स्मार्टफोन में भी यू शेप में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। और इस बार आपको A33s में जो बेजल और जिचिन है वो भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और इस बार थोड़ी सी चेंजिंग ये भी की जाएगी कि इस बार आपको A33 में जो चिन एंड बेजल है वो थोड़े कम देखने को मिल जाएंगे कंपेयर टू A32। अब और इस स्मार्टफोन को ग्लोबली 5G की कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तानी मार्केट में 4G की कनेक्टिविटी में आएगा। और पाकिस्तानी मार्केट में इस मोबाइल में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हीलियो G88 का देखने को मिलेगा या आपको स्नैपड्रैगन 720G का देखने को मिलेगा, जो लीक्स एंड रूमर्स के मुताबिक 70% यही चार्जेस है कि इस मोबाइल में आपको हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ में आपको दो वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे, 4GB and 128GB के कॉम्बिनेशन वाला एंड 6GB and 128GB के कॉम्बिनेशन वाला, दो वेरिएंट्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे 4G प्रोसेसर के साथ। और इस मोबाइल में जो कैमरा सेटअप है वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा, वही 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड पर आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर इस बार इसके कैमरे में आपको काफी नए फंक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में स्मार्टफोन के बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अब मेन चीज आ जाती है कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस सेगमेंट में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। देखिए इस मोबाइल का जो बेस वेरिएंट है 4GB and 128GB का कॉम्बिनेशन वाला, वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में 36,000 या 37,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा, और जो 6GB वाला होगा वो आपको 44 या 45 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। अगर ये स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको पाकिस्तानी मार्केट में 36 या 38 का देखने को मिल जाता है तो ये स्मार्टफोन अच्छी मार्केट बनाएगा। अगर इसको 41 या 40 में लॉन्च किया जाता है तो आई थिंक थोड़ा ओवर प्राइस होगा। और ये स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान आएगा तो आई होप स्मार्टफोन का जो प्राइस है काफ़ी अग्रेसिव होगा। सो ओवरऑल आपको कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी A33, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।